कौन सा शब्द पृथ्वी के कुल जीवन के योग को दर्शाता है? कुल जीवन योग को दर्शाता है, तो इसका जो राइट आंसर होगा क्या होगा? वायसोफियर इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। सजीव जो भोजन भोजन जगह या अन्य जरूरी आवश्यकताओं के लिए मानव से प्रतिस्पर्धा रखता है वो कहलाता है, तो वो क्या कहलाता है? इसका जो ऑप्शन होगा तो इनमें से ए वायरस और वग ये है नहीं। नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं इसके क्या है। नेक्स्ट, हाँ, इसका जो राइट आंसर होगा 52 का राइट आंसर क्या होगा? इसका डी होगा, पेस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन से देखेंगे। निम्नलिखित पर्यावरण आकलन शब्दावली में से कौन सी शब्दावली केवल पर्यावरण में उपस्थित कार्बन की मात्रा का अध्ययन करती है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? TOC, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन से देखेंगे। पर्यावरण में बदलाव के परिणाम स्वरूप नई अनुवांशिक प्रभाविता उत्पन्न होती है या नई जो डोमिनेंस होती है उसके क्या कारण है? तो इसका जो राइट आंसर होगा प्राकृतिक वरण, नेचुरल सिलेक्शन। बी इज़ द राइट आंसर। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे। ओवर किल शब्द का संबंध है, इस शब्द का संबंध किससे है? तो 55 का राइट आंसर क्या होगा? पेस्टिसाइड विषाक्तता, मृदा अपरदन से, न्यूक्लियर होलोकॉस्ट से या ग्लोबल वार्मिंग से? तो इसका जो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे। अनुवांशिक पैतृक बदलाव करने वाले रसायन पदार्थ या भौतिक कारक क्या कहलाते हैं? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? म्यूटेजन। बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अम्लीय वर्षा के कारण झीलें अम्लीय हो जाती हैं, इनको किस पदार्थ के द्वारा उदासीन बनाया जा सकता है? तो इसका जो राइट आंसर है वो चूना द्वारा इनको उदासीन, जिनमें ज़्यादा जब अम्लीय हो जाती हैं तो उनमें चूना डाला जाता है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन से देखेंगे। एक ही स्थान से शहर के समस्त भागों में सल्फर डाइऑक्साइड की सांद्रता हेतु गजट ऑपरेटिंग द्वारा किस विधि से नक्शा बनाया जा सकता ना बनाया जा सकता है? तो 58 का राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए लीडर। लीडर ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है। ये सारे क्वेश्चंस बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, आप इनको बार बार रीड आउट करिएगा, बार बार पढ़िए, एक दो बार पढ़िए, 3 बार 4 बार पढ़िए, तभी ये क्वेश्चंस आपको अच्छे से समझ में आएंगे। अगर आपने एक बार पढ़ा तो हो सकता है आपको समझ में नहीं है, आप उसको 2-3 बार इस वीडियो को देखिए, क्वेश्चंस लिख लीजिए फिर पढ़िए, तो ये आपके एग्ज़ाम के लिए, आने वाले एग्ज़ाम जो भी आप कॉम्पिटिशन का एग्ज़ाम देंगे सभी के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। तो ये सारे क्वेश्चंस आप अच्छे से देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 59 नंबर। वायु प्रदूषण को नियंत्रण में किया जा सकता है और धीरे धीरे कम किया जा सकता है, परंतु इसमें से कुछ रूप से रुकावट करने का कारक है, तो 59 इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन से देखेंगे। फोटोक्रॉपिंग और अन्य विद्युत संबंधी मशीनों से कौन सा प्रदूषक निकलता है? 60 इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर, ओजोन गैस। इसका क्या होगा? ओजोन गैस। नेक्स्ट क्वेश्चन से देखेंगे। भवन निर्माण सामग्री और भूमिगत जल से कौन सी नुकसानदायक गैस उत्सर्जित होती है? तो कौन सी होती है? रेडॉन। ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। वायुमंडल को प्रदूषित करने वाले हाइड्रोकार्बन में से सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण हाइड्रोकार्बन है, तो इसका ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट है, मेथेन ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन से देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन से देखेंगे। महासागरों में तेल बहाव की कौन सी प्रथम ऑयल टैंकर दुर्घटना हुई जिसने मानव जीवन को प्रभावित किया? तो टोरे कैन इसका जो डी हो, डी ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। 63 का ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन से देखेंगे। केचुए की सहायता से जो कंपोस्ट बनाई जाती है उसे क्या कहते हैं? जो यानी केचुए खाद जो होता है उसे क्या कहते हैं? वर्मी कंपोस्ट कहते हैं। ये इसका आंसर आप सभी को कमेंट्स बॉक्स में बताना है, ये बहुत ईजी क्वेश्चन है। तो केचुआ खाद होती है जिसे आप खेतों में डालते हैं, जो
अगर आप खेत में डाल देते हो तो सॉइल की फर्टिलिटी को बढ़ा देता है। तो इस खाद को किस नाम से जानते हैं? कंपोस्टिंग, बायोसली, मेचोरिंग या वर्मी कंपोस्टिंग, किससे जानते हैं? तो आप इसका सही जवाब दीजिएगा कमेंट बॉक्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, माइकोराइजा में किसका संबंध है? माइकोराइजा में किसका संबंध है? 65 नंबर है क्वेश्चन नंबर, तो किसका है? उच्च कुल के पौधों व कवक का, ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 66 नंबर क्वेश्चन है आपका, गंगा एक्शन प्लान कब शुरू किया गया? जो गंगा एक्शन प्लान है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, गंगा एक्शन प्लान कब शुरू किया गया? गंगा एक्शन प्लान 1985 में, तो कहीं देख 1985, हाँ ये ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में खारे पानी की सबसे बड़ी झील, भारत में खारे पानी की सबसे बड़ी झील कहाँ पे? चिल्का उड़ीसा में है, सबसे ज़्यादा खारा पानी है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन, लंदन स्मोक में प्रमुख प्रदूषक था, लंदन स्मोक में प्रमुख प्रदूषक था तो क्या था? सल्फर डाइऑक्साइड, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, गैस क्रोमेटोग्राफी DDT के लिए कौन सा अभिज्ञापक उपयोग में लाया जाता है? तो कौन सा अभिभावक इसमें? इलेक्ट्रॉन कैप्चर डिटेक्टर, फ्लोएम आयोडोनाइज डिटेक्टर, तो इसमें से क्या उपयोग में लाया जाता है? तो इसमें से इलेक्ट्रॉन कैप्चर डिटेक्टर, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्न में से किस पारिस्थितिकी तंत्र में इन्वेस्टेड पिरामिड्स ऑफ बायोमास पाया जाता है? तो जो इसका राइट आंसर होगा, राइट आंसर क्या होगा इसका? जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, नाइट्रोजन। क्या है इसका ऑप्शन नंबर? नाइट्रोजन क्या है इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, सहजीवन शब्द किसके द्वारा दिया गया? सहजीवन शब्द किसके द्वारा दिया गया था? तो सहजीवन जो शब्द है किसके द्वारा दिया गया था? LG टेंसले के डी वेरी, तो किसके द्वारा? डी वेरी के द्वारा दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, किस प्रकार का सहजीवन अल्बिस्टोग्रेटरी होता है? किस प्रकार का सहजीवन अल्बिस्टोग्रेटरी होता है? तो किस प्रकार का होता है इसका जो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, जो नेक्स्ट क्वेश्चन से देखेंगे आप उसका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 74 नंबर क्वेश्चन नंबर 74 देखेंगे, हाइपर वैल्यूम निच अवधारणा किसके द्वारा दी गई? कंसेप्ट ऑफ हाइपर वैल्यूम निच किसके द्वारा दी गई? इसका राइट आंसर होगा ऑफ हनी हचिसन, सी इज द राइट आंसर, हचिनसन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, वाहन जनित प्रदूषण में मुख्य रूप से उत्सर्जित होता है, तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित जंतुओं के वर्गों नाभिकीय किरणों से सबसे कम प्रभावित होने वाला वर्ग है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर इज द राइट आंसर, ए कोशिकीय जीव। नेक्स्ट क्वेश्चन, समुद्री व महासागरों का कौन सा क्षेत्र सबसे ज़्यादा प्रदूषित होता है? तो इसका जो राइट आंसर क्या होगा? तटीय क्षेत्र सबसे ज़्यादा होता है, ऑप्शन बी नंबर इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, पैसिफिक अटोल पर कौन से नाभिकीय बम का परीक्षण किया गया? इस पर कौन सा नाभिकीय बम का परीक्षण किया गया? तो इसका जो राइट आंसर क्या होगा? हाइड्रोजन बम का किया गया। किसका? हाइड्रोजन बम, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, चट्टानीय ढलानों पर सर्वप्रथम किस का जीवन शुरू हुआ? तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, लाइकेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब एक जीव दूसरे जीव का उपयोग करता है तब किसका क्षय होता है? जब एक जीव दूसरे जीव का उपयोग करता है तो किसका क्षय होता है? तो ऊर्जा का क्षय होता है, तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन से देखेंगे, संख्या पिरामिड की परिस्थिति की अवधारणा किसके द्वारा प्रतिपादित की गई? संख्या परिस्थिति की अवधारणा किसके अवधारणा के द्वारा प्रतिपादित की गई? तो इसके ऑप्शन देखते हैं, इसका जो राइट आंसर होगा, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए चार्ल्स एल्टन। इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर ए चार्ल्स एल्टन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारत में मिट्टी बचाओ आंदोलन
कहाँ पर शुरू किया गया, भारत में मिट्टी बचाओ आंदोलन कहाँ पर शुरू किया गया, ये होशंगाबाद मध्य प्रदेश में शुरू किया गया, ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारत में कृषि आयोग हेतु DDT को कब प्रतिबंधित किया गया, DDT को कब प्रतिबंधित किया गया, इसके ऑप्शन देखते हैं, तो कब प्रतिबंधित किया गया, 1985 में इसको क्या किया गया, प्रतिबंधित किया गया, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन से देखेंगे 84 नंबर, भारत में बायोगैस के उत्पादन के लिए बायोगैस प्लांट में किसकी आवश्यकता होती है, तो किसकी आवश्यकता होती है, कृषि अवशिष्ट की आवश्यकता होती है, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में सर्वप्रथम कौन से वन क्षेत्र को नियंत्रण व संरक्षण प्रदान किया गया, तो इसका जो राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, मालाबार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सर्वप्रथम राष्ट्रीय वन नीति कब पारित की गई, कब पारित की गई, तो इसका जो राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। अगर आप चैनल पे नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंडों के पास शेयर करिए, और वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करिएगा। देखते हैं नेक्स्ट आगे का जो 86 नंबर क्वेश्चन है, ये कौन सा 87 नंबर, कौन सा पौधा ग्लेशोलाइन प्लांट कहलाता है, 87 नंबर है, तो ऑप्शन नंबर इसका क्या होगा, यूफोरबिया, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन से देखेंगे, 3 पर्यावरण प्रदूषक फ्लैश कहाँ से उत्पन्न होती है, तो ये कहाँ से उत्पन्न होती है, ताप शक्ति ग्रह से, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा द्रव सोना कहलाता है, इन में से कौन सा लिक्विड क्या कहलाता है, गोल्ड कहलाता है, पानी, पेट्रोलियम, पारा, सरसों का तेल, तो इसमें से गोल्ड क्या कहलाता है, पेट्रोलियम को गोल्ड कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, BOD टेस्ट के लिए किस वर्ग के अवशिष्ट जल को सीडिंग की आवश्यकता होती है, तो इसका जो 91 का राइट आंसर होगा, तो सीडिंग की अवस्था किसको होती है, तो ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर, डोमेस्टिक सीवेज। नेक्स्ट क्वेश्चन, पानी के स्थायी कठोरपन या ठोसपन का कारण होता है, तो क्या होता है इसका ठोसपन का कारण, क्लोराइड्स और सल्फेट्स, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, पानी में लवण अलग करने के पानी में लवण अलग करने की सबसे साधारण विधि कौन सी है, तो इसके ऑप्शन देखते हैं क्या है, तो पानी से साल्ट को अलग करने की सबसे सिंपल जो विधि है, मेथड है, कौन सा है, तो इसका राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी विपरीत पराशर, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, तत्वीय क्लोरीन का उपयोग करते हैं इसका, तो कब करते हैं, औद्योगिक प्रसंस्करण में, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, विश्व में कुल पंजीकृत पीड़कनाशियों में सबसे बड़ा वर्ग कौन सा, विश्व में कुल पंजीकृत पीड़कनाशियों का में सबसे बड़ा वर्ग क्या है, 95 का क्वेश्चन देखेंगे, तो इसका क्या सबसे बड़ा, और आर्गेनोफॉस्फेट, इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। क्या होगा इसका राइट आंसर, राइट आंसर जो इसका होगा, ऑप्शन नंबर बी। 96 देखेंगे, एनीमोमीटर कप का प्रयोग किसके मापन के लिए किया जाता है, एनीमोमीटर कप का प्रयोग किसके मापन के लिए किया जाता है, तो हवा की गति को मापने के लिए किया जाता है, किसको, हवा की गति को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कौन सी ह्यूमस अम्लीय प्रकृति की होती है, तो कौन सा होता है, मोर क्या होती है, अम्लीय प्रकृति की होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, लेवार्ट व वियर्स नियम का प्रयोग किया जाता है, लेवार्ट व बियर्स नियम का प्रयोग किया जाता है, तो इसका 98 का इसका राइट आंसर क्या होगा, स्पेक्ट्रोफोटोमीटर में किया जाता है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, लॉ ऑफ मिनिमम किसके द्वारा दिया गया, तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारत में टाइगर प्रोजेक्ट
कब शुरू किया गया, भारत में जो टाइगर प्रोजेक्ट है कब शुरू किया गया, तो टाइगर प्रोजेक्ट शुरू किया गया 1973 में। कब शुरू किया गया, 1973 में। नेक्स्ट आप सबसे लास्ट क्वेश्चन से, जवाहरलाल नेहरू सामुदायिक जैव विविधता अभियान कब शुरू किया गया, क्या क्वेश्चन से, जवाहरलाल नेहरू सामुदायिक जैव विविधता अभियान कब शुरू किया गया। इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट्स बॉक्स में